अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन अंगारा कढ़ाई, जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कप दही, इसको मैं अच्छी तरह फेंट रही हूँ। 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने ज़रूरत के मुताबिक भी डाल सकते हैं, हसबे ज़रूरत। दाल प्याज है ये, इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल पिसी हुई मिर्च है इसको भी मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये गरम मसाला है भुना हुआ, इसमें है साबित लाल मिर्च, छः से सात अदद दाने साबित लाल मिर्च, और 1 टीस्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून जीरा, लौंग 4 से 5 अदद लौंग, 3 से 4 अदद दालचीनी के बड़े टुकड़े, इन सबको मैंने भून के पीस लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। काली मिर्चें भी है 10 से 12 अदद, इन सबको मैंने भून के पीस लिया और इसमें शामिल कर दिया। अब ये चिकन के पीस है इस इतने साइज़ के, इसको भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 8 से 9 अदद आप पीस डाल सकते हैं, आप चाहे तो 10 भी डाल सकते हैं। इन सबको मैरिनेट करके आधा घंटे के लिए मैं रख दूँगी। आधा कप तेल मैंने फ्राई पैन में डाला है, इसमें ये बारीक कटे हुए टमाटर है 2 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक काट लिए मैंने, वो इसमें शामिल कर रहे हैं। बड़े साइज़ की प्याज है बारीक चॉप कर ली थी, इसको मैंने 5 से 10 मिनट इसको मैं पकने दूंगी, थोड़ा ये फ्राई होगी। ये हमारे 5 से 7 मिनट हो गए, ये देखें प्याज कैसे नरम हो गई टमाटर की। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी, ये मैरिनेट की हुई चिकन है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसको 10 मिनट तक इसको पकने दूँगी, ताकि इसका कलर भी अच्छा आ जाए और ये गल भी जाए। ये देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा रेडी है। अब व्यूअर्स मैं इसमें कोयले का दम दे रही हूँ, मैं इसमें हल्का सा कुकिंग ऑयल डालूंगी और बस इसका द्वार करना। ये देखें व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी चिकन अंगारा कढ़ाई तैयार है, आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।